आज का हमारा टॉपिक था एजुकेशन, और एज आई सेड हमारे पास अब इतना टाइम नहीं होगा कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं। सो आई विल ट्राई टू फैसिलिटेट यू पीपल, आई विल ट्राई टू कवर एज मच ऑफ इट्स डायमेंशंस एज इज पॉसिबल इन दिस टाइम फ्रेम। तो डिफरेंट टॉपिक्स पास्ट पेपर से लेके या डिफरेंट डायमेंशन से आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन वेरियस फैसेट्स ऑफ दिस टॉपिक। बाकी फिर मैं आपको खुद भी बता दूंगा कि मजीद आपने किन पे रिसर्च करनी है। ऑफ कोर्स हम सभी टॉपिक्स पे लिख नहीं रहे होंगे, कुछ टॉपिक्स पे फिर आप लोग लिखेंगे जो असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा क्लास में। तो फिलहाल मुझे ये बताएं कि किस किस ने पढ़ा है इस टॉपिक पे, किस किस ने पढ़ा है। मैंने आपको वैसे मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन पे कहा था, तो किस किस ने पढ़ा है इस पे? आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू कंट्रीब्यूट। जिन जिन लोगों ने भी पढ़ा है, बल्कि सभी जिसने पढ़ा है या अच्छा जिसने नहीं पढ़ा, सभी कंट्रीब्यूट करेंगे। जी किफायत। बिल्कुल पॉइंट्स में आप बताएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट्स में बताएंगे कि एजुकेशन के मीनिंग एंड पर्पस पे क्या देखा है आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जस्ट पॉइंट्स बताएंगे आप, मीनिंग एंड पर्पस आगे सर आप डील कैसे करेंगे, ऐसे में मेन हेडिंग्स क्या बनाएंगे, सब हेडिंग्स क्या बनाएंगे। सर इसमें हमने प्राइमरीली दो हिस्सों में डिवाइड करना है सर इसको। जिस तरह पहले हमने सर इसका मीनिंग, फिर उसके बाद पर्पस। सर जितने मैंने रीडिंग किया इसके हवाले से, सर दो बड़े डायमेंशन इससे निकलते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, फिर इंडिविजुअल के अंदर फिर तीन चार चीजें उसमें आता है। एक इंटेलेक्चुअल होता है और एक मॉरल होता है। फिर इंटेलेक्चुअल के अंदर हमारे पास बेसिक एजुकेशन होता है, स्किल्स होता है और दी एबिलिटी टू फॉर्म ओपिनियन होते हैं सर। फिर इसके अलावा सर हमारे पास मॉरल आता है। मॉरली मतलब इंसान थोड़ा इथिक्स वगैरह इस तरह, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट, ये चीज़ें हम सीखते हैं। फिर सोशल बेसिस पे सर एजुकेशन का हमने ये स्टडी किया सर कि किस तरह वो आप में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में इंकलकेट करता है, रिस्पेक्ट फॉर लॉ होता है, डाइवर्सिटी होता है, इसी तरह मतलब आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं। और फिर इसके अलावा सर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें सर हमने इसके जो उसमें एजुकेशन में मैंने स्टडी किया सर, मतलब सेल्फ इनरिचमेंट इसे आता है, डेवलपमेंट होता है सर इसमें। और इसके असर न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट, इसमें कुछ मॉडल्स मैंने स्टडी किए इसके हवाले से। और इसकी तरह सर कल्चरल प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी होता है, मतलब थ्रू एजुकेशन वन कुड हैव कल्चरल प्रिजर्वेशन। जिस तरह न्यूजीलैंड में मोरी लैंग्वेज के मतलब एक स्कूल होता है सर, इसी तरह फिर सर सेल्फ अवेयरनेस इस तरह आ जाता है। जिस तरह सर यूनाइटेड नेशन का एक मॉडल है सर, वहाँ पर डिप्लोमेट्स जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं वो थ्रू एजुकेशन उनको जो है इंगेज करता है कि आप किस तरह इंटरनेशनल इशूज के हवाले से आप ओपिनियन पे वो करें, आप किस तरह जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन करें, अवेयरनेस करें। और इसी तरह सर हमारे पास इसके अलावा सर जो दूसरा कुछ वो था सर, एक तो सेल्फ प्रिजर्वेशन था, सेल्फ डेवलप कल्चरल प्रिजर्वेशन था, सेल्फ डेवलपमेंट था, और सिविक एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट सर। जो सिविक एजुकेशन था वो बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत अच्छा बताया आपने। आप मीनिंग एंड पर्पस को डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? जी सर, सर जिस तरह पर्पस था सर, जो जो एजुकेशन का बड़े पर्पस थे सर, मतलब वही पर्पस के पहले आपको जो है वो नॉलेज दे, मतलब आपका जो करियर एडवांसमेंट वगैरह होते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज आपको उसके लिए प्रिपेयर करे, मतलब एजुकेशन कुड कैपेसिटेट आप करे ताकि आपको मतलब इसके अलावा बाकी चीजें आप हो जाए। मतलब इसके अलावा सर हम ये भी कह सकते हैं जो एजुकेशन है वो तो एक इकोनॉमिक डोमेन में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, किस तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसे आ सकता है सर। मतलब आपको एंटरप्रेन्योर स्किल्स आपको सिखाता है, आपको बाकी स्किल्स आपको वगैरह वो आपको देते हैं। इसके अलावा सर पॉलिटिकल डोमेन में सर इससे आपका मतलब अगेन स्टेबिलिटी वगैरह आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल डोमेन में इसी तरह, ह्यूमन डेवलपमेंट में थ्रू ठीक एजुकेशन, तो वही पर्पस होता है सर। है ठीक है। सभा ने हैंड रेज किया था। जी सभा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मैंने इसके बारे में ये पढ़ा था कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ एजुकेशन जिसमें फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, इसके अलावा फैक्टर्स है कुछ जो कि डिटरमिन करते हैं मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, जिसकी सब हेडिंग्स में हम ये लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इसी तरह से कल्चरल कुछ है। और उसके अलावा मैंने पढ़ा था कि जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ एजुकेशन टू सर्व इट्स पर्पस, और उसमें हमारे पास जैसे कि देखा जाता है हमारे पाकिस्तान के अंदर बेसिकली ये होता है पॉवर्टी, क्योंकि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके अलावा ठीक है जो लो ठीक है क्वालिटी है एजुकेशन हमारा ना सिस्टम इस में, टाइम इसके अलावा बजट एजुकेशन सिस्टम में। अब हमारा इस टाइम जो सब्जेक्ट है ना वो है मीनिंग एंड पर्पस। वो फेलियर वाली दूसरी डायमेंशन आएगी और फिर उस पर वे जी फॉरवर्ड सर, भी आएगा। तो आसिया आप बताएं, जी सर, आसिया आप बताएं कि इसमें हम मीनिंग एंड पर्पस को अलग करेंगे या नहीं करेंगे। जी सर मीनिंग और पर्पस अलग अलग होगा। मीनिंग में इसमें तो पर्पस उसका में क्या आएगा और एजुकेशन, मीनिंग में क्या आएगा। पर्पस में तो बेसिकली उसका जो कह ले के इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, जैसे कि उसमें हम स्किल डेवलपमेंट कैसे सीखते हैं और हमारी लर्निंग किस किस्म की होगी और हमारी लर्निंग का मेजर पर्पस क्या होगा आगे जाके, सोशली पर्पस उसका देख सकते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, पॉलिटिकल बिल्कुल पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, और इसके अलावा इसका इसको हम मजीद अगर करें तो नेशनल लेवल पे इसको पॉलिसी मेकिंग में इसका पर्पस को यूज किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है ठीक और है। जी सर, और किसने पढ़ा इस पे, हैंड रेज करें सब लोग या बता दें। जी वकास, मीनिंग एंड पर्पस सिर्फ इस पे बात करनी है आपने। वकास एनीवन एल्स, जहीर रमजान आपने काम किया इस पे। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली इसमें इस ऐसे को अगर हम डाइसेक्ट करेंगे तो इसमें मीनिंग एंड पर्पस को हम अलग अलग डील करेंगे, सेपरेटली डील करेंगे दोनों को। ठीक है मीनिंग में बेसिकली हम जो है वो इन चीजों को डील करेंगे कि जो कि राइट स्ट्रेटजीज क्या होंगी एजुकेशन की, ठीक है एजुकेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है, क्या चीज जो है वो एजुकेशन बेसिकली इंटेल क्या करती है एजुकेशन, और पर्पस के अंदर हम इस चीज को डील करेंगे कि इस एजुकेशन के थ्रू हम क्या हासिल क्या करना चाहते हैं। ठीक अगर है हमारी जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो जेंडर डिफरेंसेज एग्जिस्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी जो है वो इंक्लूसिव नहीं है, हमारी सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, तो एजुकेशन के थ्रू हम किन पर्पजेज को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे, तो उस चीज को हम जो है वो इस पर्पज वाले सेक्शन के अंदर डील करेंगे। और मीनिंग बेसिकली ये है कि राइट स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए एजुकेशन की, और एजुकेशन का इटसेल्फ मतलब क्या है। ठीक है गो ऑन। इसमें सर अगर देखें तो एजुकेशन जो है वो ब्रीड करेगी टॉलरेंस, जिसकी वजह से हमें जो है वो एक इंक्लूसिव सोसाइटी में मिल सकेगी। ठीक है ठीक चलें, तो हमने ये देखा कि सिंपली यूं समझ लेते हैं, मीनिंग का मतलब ये है कि आप किस किस्म के इंडिविजुअल्स पैदा करना चाहते हैं, या किस चीज को, बेसिकली किस चीज को हम एजुकेशन कह सकते हैं। सिंपली मीनिंग की बात करें तो किस चीज को हम एजुकेशन कह सकते हैं, दिस इज मीनिंग। तो टॉलरेंट इंडिविजुअल्स पैदा करने हैं, फ्रीडम लविंग इंडिविजुअल्स पैदा करने हैं, और इसमें अगर हम बात और अगर हम बात करें तो उनमें ह्यूमन राइट्स की जो है वो वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स उनके सपोर्टर हों तमाम इंडिविजुअल्स, और ओपननेस हो उनमें, क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग हो, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, क्रिटिकली क्रिटिकली एक्टिव हों वो लोग, इंडोक्ट्रिनेशन न मानते हो,
मतलब ये को 5-6 पॉइंट्स आ जाएंगे जिसमें आप कैरेक्टर पे बात कर रहे होंगे। कैरेक्टर पे जो बात कर रहे होंगे ये आप बता रहे होंगे मीनिंग क्या है एजुकेशन का। फिर पर्पस में आप हम जो कुछ यानी यूं समझ लें कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन जो आप सब लोग कह रहे थे इस पे, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को हम इसमें ले आएंगे, इसमें पर्पस ऑफ एजुकेशन में। इम्पोर्टेंस में हम उसको सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर, एनवायरनमेंट हर चीज देख रहे होंगे। हमने इसी से पॉवर्टी और इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी है, इसी से हमने क्लाइमेट चेंज को की सस्टेनेबिलिटी लाकर फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव करना है, तो क्लाइमेट चेंज प्रोटेक्शन, अडेप्टेशन, मिटिगेशन की तरफ जाना है। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स पर्पज ही हमारा गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, पर्पज हमारा ये है कि डेमोक्रेसी को हमने बिल्ड करना है, पर्पज हमारा ये है कि हमने इसको वॉर को कंट्रोल करना है, पर्पज हमारा यह है पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ जाना है। मतलब जो अगेन जो ह्यूमैनिटी के तमाम इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स हैं एजुकेशन को उन पे अप्लाई करते जाना है। अब आप लोग एजुकेशन के डिफरेंट टॉपिक्स, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है, सोसाइटी में पीस लेके आना है, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को कंट्रोल करना है, विमेन को एम्पावर करना है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आना है, तो ये जो 9-10 मेजर मेजर एरियाज हैं इन पे आप बात कर लेंगे कि पर्पस फिर एजुकेशन का आगे ये निकलता है। आगे फिर अब ये दो सेक्शन तो हो गए, उसके आगे आप ब्रीफली ये डिस्कस कर सकते हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड, अब इसमें लफ्ज़ पाकिस्तान अब यूज इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि उसने भी पाकिस्तान स्पेसिफिक बात नहीं की, तो अक्रॉस द वर्ल्ड एजुकेशन को कुछ चैलेंजेस लिखते हैं जनरली, और फिर वे फॉरवर्ड में आप उसको उसको सजेशंस दे दें। अब इस पे एजुकेशन पे मैंने डिटेल्ड लेक्चर दिया हुआ है, मीनिंग एंड पर्पस क्या है एजुकेशन का, एजुकेशन को डेमोक्रेसी से रिलेट भी किया हुआ है, इस वजह से वो मैं लेक्चर आपसे शेयर कर दूंगा। वकास ने कहा इंक्रीज सोशलाइजेशन, तो वो उसको अल्टीमेटली आप किसी तरह सोसाइटी पे कल्चर, बेसिकली एक जनरेशन का कल्चर दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्म करना, इनकलकेट करना, उसमें उसको प्रमोट करना, इसी को सोशलाइजेशन कहते हैं। तो कल्चरल प्रोटेक्शन इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो आप लिख सकते हैं। मल्टीलेटरलिज्म तो वो वही है ना, आप इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ आ जाएं, पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ देखें, बात बड़ी किया करें ना आप। मल्टीलेटरलिज्म से होगा क्या, ये एजुकेशन है। मल्टीलेटरलिज्म से आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, दैट इज योर एजुकेशन। वो लेक्चर मैं आपसे शेयर कर दूंगा आज ही इसके बाद। तो आज मैंने जिसको एग्जाम्पल बनाया है जिस सब्जेक्ट को, दैट इज क्लेवर डेवल्स, कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज क्रिएट्स क्लेवर डेवल्स, नॉट सेन इंडिविजुअल्स या काइंड इंडिविजुअल्स, बल्कि क्लेवर डेवल्स पैदा करती है एजुकेशन। आज के इस लेक्चर का मकसद सिर्फ आपको इस स्टेटमेंट पे काम करवाना था। दूसरी बात यह है कि आप में से जो लोग तो लिखने के लिए रेडी हैं वो तो अभी से लिखना शुरू कर दें, मैं साथ बिल्कुल साथ सर, बिल्कुल में टॉपिक्स शेयर करता रहूंगा। जो लोग नहीं लिख सकते फिलहाल वो बस लेक्चर्स लेते जाएं, चीजें नोट करें। मैं आज आपसे एक फाइल शेयर करूंगा, उसमें मैंने कुछ कोटेशंस भी लिखी हैं। अब आपने देखना यह है कि उसमें हर तरह की कोटेशंस है। आपको इस टॉपिक पे कोटेशन चाहिए कि एजुकेशन गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव करती है, तो खाली नेट पे यही जाके लिखें कि हाउ एजुकेशन स्ट्रेंथन्स गवर्नेंस। एजुकेशन और डेमोक्रेसी के लिए चाहिए कोटेशंस तो ये लिख लें। अगर आपको एजुकेशन पे क्रिटिसिज्म चाहिए, क्रिटिसिज्म ऑन एजुकेशन, इस टॉपिक पे रिसर्च चाहिए, तो आपको एजुकेशन के अगेंस्ट या जो फ्लॉड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है इस पे भी मिल जाएंगी कोटेशंस। तो कोटेशन आप सर्च किया करें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू टॉपिक। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका पर्पस है एजुकेशन विदाउट वैल्यूज, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज क्रिएट्स क्लेवर डेवल्स, ये टॉपिक है कि अच्छे इंसान पैदा नहीं करती, क्लेवर डेवल्स पैदा करती है। अब इस टॉपिक को लेके कैसे चलेंगे, व्हाट आर योर व्यूज, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज क्रिएट क्लेवर डेवल्स, ये आज का हमारा टॉपिक है, नॉट गुड इंडिविजुअल्स बट क्लेवर डेवल्स, इस तरह ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो इस पे नसीम नूर इस पे क्या बात करेंगे, क्रिएट
क्लेवर डेवल्स में जी ईमान आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने हमें टॉपिक दिया है, या तो हम इससे पूरा एग्री करेंगे या तो डिसएग्री करेंगे। ठीक है, अगर हम एग्री कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस डायमेंशन पे बात करनी है और वो क्या चीज़ हमारी सोसाइटी में कर रहा है, हम इस ऑलरेडी जो टॉपिक हो से रहा है ना, मतलब। हम इस टॉपिक से दो रीजंस की वजह से अग्री करेंगे, डिसएग्री नहीं करेंगे। एक तो एग्जामिनर ने ठीक है क्वेश्चन सर। क्वेश्चन मार्क नहीं दिया। अगर क्वेश्चन मार्क होता स्टेटमेंट के एंड पे, फिर हम कह सकते थे क्लेवर डेवल्स होते भी हैं, नहीं भी होते। एक तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है। दूसरा, टॉपिक बड़ा क्लियर है कि एजुकेशन विदाउट वैल्यूज, जब वैल्यूज ना हो, तो इसका मतलब एजुकेशन से जो भी हमने कोई कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, जो भी कोई अच्छा काम लेना हमने, जो भी हमने एजुकेशन को एज ए स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव यूज करना है, या यूज समझ लें कि एजुकेशन को यूज करना है फॉर द सक्सेस, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, वो चीजें तो अब हो नहीं सकेंगी, क्योंकि हमारा मकसद बड़ा लिमिटेड है। एजुकेशन में वैल्यूज हैं ही नहीं, तो फिर अब हमारा डिसएग्री करने का इसमें रूम ही नहीं रहा। हम तो अब इसी चीज को सपोर्ट करेंगे कि क्लेवर डेवल्स पैदा होते हैं। जी नसीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। हम सलाम। इसको इस तरह रिलेट करेंगे कि वॉल्यूम एजुकेशन वॉल्यूम विदाउट थोड़ा अपना वैल्यूज रेज करें। कैसे। जी हम ठीक है, इसको इस तरह हम रिलेट करेंगे कि एजुकेशन वैल्यूज के बगैर कैसे इंसान माइंड्स पैदा करती है या क्लेवर डेवल्स पैदा करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वैल्यूज में टॉलरेंस नहीं है तो आप एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे, या आपकी सोसाइटी जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएगी, या फिर आपकी सोसाइटी जो है वो इस तरह के फैक्टर्स आएंगे कि बर्दाश्त नहीं होगी, आप वायलेंट बिहेवियर शो करेंगे, वायलेंस की तरफ ठीक है, जाएंगे। बस पॉइंट्स बता इसी दी तरह जाए। हम एक एग्जांपल ले लें जी, वायलेंस इससे ही होगा कि वायलेंस होगा, एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी पैदा होगी, उससे ये होगा कि कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होगी, लाइक रिजिडिटी कह रहे हैं कि आपके बिहेवियर में रिजिडिटी होगी तो आपके अंदर किसी भी और कल्चर को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं होगी। उससे फिर एक और होगा कि जेंडर एम्पावरमेंट जो है वो नहीं मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि आप इस चीज़ को वैल्यू ही नहीं करेंगे, आपके एथिक्स में ये चीज़ शामिल ही नहीं होगी, तो आप इस तरह विमेन को उस अंदाज से आगे आने के लिए आप एक्सेप्टिव नहीं होंगे, रिसेप्टिव नहीं होंगे। फिर तीसरा ये आ जाएगा कि आपका माइंड इस अंदाज से सेट हुआ होगा कि मैन जो है फॉर एग्जाम्पल पैट्रियार्की जो है वो उसमें स्ट्रांग होगी, अगर आपकी वैल्यूज में ये चीज़ शामिल नहीं होगी तो आप इस चीज़ को इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे, तो आपके अंदर एक मैन डोमिनेशन लाइक पैट्रियार्की का पैटर्न जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा। उससे क्या होगा कि वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो उस अंदाज से नहीं हो सकेगी, तो अल्टीमेटली जो डेवलपमेंट का है प्रोसीजर, जो हमारा एजुकेशन का पर्पज़ होगा वो पूरा नहीं हो सकेगा, जिससे हम उसको और पार्टिसिपेशन वाला जो है वुमेन एम्पावरमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकेगा। इसी तरह फिर नेशनल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें कि वैल्यूज़, अगर आप एजुकेशन विदाउट वैल्यूज़ होगा तो उसमें ये होगा कि आप एक दूसरे के कल्चरल वैल्यूज़ को अगर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन नहीं होगी, ऑब्वियसली डिसइंटीग्रेशन की तरफ सोसाइटी जाएगी। या आप अपने ही एक एथनीसिटी को प्रमोट करेंगे और अपने ही वैल्यूज़ को नेशनल वैल्यूज़ के ऊपर प्रायोरिटाइज करेंगे तो आप जो है वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। फिर अगर हम बात करें एथिक्स की, मॉरली अगर हम देखें तो अगर एजुकेशन वैल्यूज़ के बगैर होगी तो हम मॉरली एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल हम इस अंदाज से दे सकते हैं कि कुछ चीज़ें हमें आपकी अलग वॉइस अलग बहुत लगती लो है, होती हैं, बहुत आपका वॉल्यूम बहुत लो है। हैंड फ्री का इशू है, सॉरी। बस इस तरह इसको हम रिलेट करते जाएंगे कि जो जो वैल्यूज़ हमारी एजुकेशन ठीक वैल्यूज़ है के बगैर होगी तो वो पर्पसलेस होगी, लाइक उसको ठीक है। वैल्यू एनीवन एल्स? बनाते जाएंगे। अनसा कह रही है नो सोशल जस्टिस, नो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और एनीवन एल्स? सर इसमें हम ये
पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मीडिया मैनिपुलेशन होता है सर, इसी तरह सर लीगल कंज्यूमरिज्म का इशू हो सकता है, या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी इसे हो सकते हैं। मिस यूज ऑफ नॉलेज कुड क्रिएट सच अ क्लेवर और डेवल माइंड सर। उसमें फिर आप देखिए सर, टेक्नोलॉजी का आप मिस यूज ऑफ नॉलेज आपने आपको जो है वो लेथल वेपन्स दिए सर, जिससे डिस्ट्रक्शन म्यूचुअली श्योर डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं सर। बिल्कुल इसी ठीक। तरह सर वॉर आप वॉर एक वॉर आगे जी वो इसी तरह सर मीडिया मैनिपुलेशन, जिसे सर आप मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है, अगेन सर इट इज थ्रू प्रोपेगेंडा कि किस तरह एजुकेटेड माइंड जो सेडो सेडो इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं सर, वो इस तरह नॉलेज आइडियाज इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे सर मतलब लोगों के अंदर एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट पैदा हो सकते हैं सर। इसी तरह सर इसमें हम ये भी कह सकते हैं सर के जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं सर, आप चले जाए सर ऑन डेली बेसिस यहाँ पर सर इस तरह होते हैं सर के एक्सपर्ट पीपल होते हैं, वो जो आम बंदे जाते हैं उसके पास, वो इस अपने नॉलेज को इस तरह मिस यूज करते हैं कि मतलब उसे पैसे भी लेते हैं हाउसिंग स्कीम के वगैरह, इस बेसिस पे व्हाइट सर। कॉलर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स, आप ये बात चूज कर लेंगे। सर एग्जैक्टली सर, व्हाइट कॉलर क्राइम हमारे पास एक एग्जांपल है सर। इसी तरह सर फिर हमारे पास जो है सर मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, इसमें मेडिकल एथिक्स वायलेशन भी होते हैं सर। मतलब यहाँ पर सर जो अक्सर लोग होते हैं मतलब इस तरह चीजें करते हैं जो हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स वगैरह, अगेन सर उसमें वही चीजें आ जाता है कि व्हाइट कॉलर क्राइम मेडिसिन वगैरह होते हैं, इस तरह चीजें होते हैं कि वो अपने ही मतलब ये आप देखिए, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इस चीज को आप एज अ केस स्टडी यूज कर सकते हैं। अब जो आपने बताया ना कि क्राइम्स होते हैं, अब या तो हम फिर क्राइम्स में आगे डिवीजन में चले जाएं तो फिर तो बहुत सी एग्जांपल्स हो जाएंगी। मेन हेडिंग हमारी क्राइम्स ही रहेगी कि इससे जो जो एजुकेटेड, मतलब हमारे पास ये केस स्टडी इस वजह से है कि ये वो डेवल्स हैं, ये इस वजह से क्लेवर डेवल्स हैं क्योंकि ये एजुकेटेड भी हैं। ये एजुकेटेड हैं, दे नो हाउ टू एक्सप्लॉयट, दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ देयर एरियाज, इट इज जस्ट दैट दे लैक वैल्यूज। तो फिर जो हमारा क्राइम्स वाला पोर्शन है उसमें फिर हम ये डॉक्टर्स की एग्जांपल को बिल्कुल कोट कर सकते हैं, और इससे ज्यादा बेहतर जो एग्जांपल है वो अगेन हमारे पास साइबर क्राइम्स है और वाइट कॉलर क्राइम्स है। तो एक हमारा तो पॉइंट हो गया ना कि सोसाइटी में जो यही बात वो कहते हैं, विल्ड्यू रेंट कहते हैं कि आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्कॉलेस्टिक एफर्ट्स करप्शन हैज नॉट बीन इरेडिकेटेड। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन यही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वैल्यूज लैक करता है। तो एक तो हमारी ये क्राइम्स वाली एग्जाम्पल होगी, और एक आपने वॉर की एग्जाम्पल दी, और क्या बात करेंगे? एनी अदर एग्जाम्पल? सर उसमें सर अगेन उसमें सर वो जो 1984 वाले बुक में सर जॉर्ज ऑरवेल के सर, वो भी हम इस तरह लिंक कर सकते हैं किस तरह सर मीडिया के ऊपर मतलब लोग बैठ के सर वहां पर किस तरह प्रोपेगेंडा वगैरह करते हैं, किस तरह हाइब्रिड मतलब वॉरफेयर हो गया। अपने गवर्नमेंट एक हमारा जो हेडिंग है ना वो हाइब्रिड वॉरफेयर हो गया, उसमें हम मिस इन्फॉर्मेशन भी डालेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, और ये सारा जो एक ट्रूथ जो है ना वो इन इटसेल्फ जो क्वेश्चनेबल हो गई सोसाइटी में, और ट्रूथ हैज बिकम अ रेयर कमोडिटी, एक हमारा ये पॉइंट बन गया। और लीगल कंज्यूमरिज्म भी हम कह सकते हैं सर, कर सकते हैं सर, ये जो एजुकेशन मतलब एजुकेशन विदाउट वैल्यूज, अगर इस तरह हो सकते हैं सर, जिस तरह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है सर, या जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सर जो मल्टी इंडस्ट्रियल कंपनीज है सर, वहां पर किस तरह सर वो इन्वायरमेंट मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रीड मनी वगैरह के लिए वो किस तरह इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉयट करते हैं, या पाकिस्तान में या इंडिया में इस तरह जगहों में सर, तो ये भी हम कह सकते हैं कि इलीगल प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए खतरा होता है, डिस्पाइट बीइंग द कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट के वो मतलब डिट्रीमेंटल है इन्वायरमेंट के लिए, फिर भी वो गुड्स वो चीजें वो प्रोड्यूस करता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जब कमिटमेंट नहीं होते, इंटेग्रिटी नहीं होता, ऑनेस्टी नहीं होता है, मतलब दीज आर द वैल्यूज ऑफ एजुकेशन। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, वेरी वेल डन। जाना सरफराज क्या कहती हैं? साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वेपनाइजेशन, एक तो बिल्कुल ठीक, इसमें वॉर वाला पॉइंट आ गया। फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकॉनमी के एस्पेक्ट से हम ये कंज्यूमरिज्म की बात भी की है, कैपिटलिज्म की बात, तो इसमें ज़्यादा तो ये क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट सबसे अच्छा बनेगा ना, क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट सबसे अच्छा बनेगा कि इनकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या जो सेल्फिश मोटिव्स हैं इनके, दे आर कॉजिंग
ग्रेव चैलेंजेस टू द क्लाइमेट, तो ये इनमें कौन सी वैल्यूज मिसिंग कौन सी थी? इनमें वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये मिसिंग थी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमंस, ये वैल्यूज इनमें मिसिंग थी। शाहान कहते हैं एजुकेशन डिवाइड ऑफ जेंडर ओरिएंटेड वैल्यूज विल लीड टू ए पेट्रियार्कल एंड मिसोजिनिस्ट सोसाइटी। बिल्कुल ठीक है शाहान, आप और बताएं, बोल के बताएं, जरा माइक ऑन करें अपना और बताएं। शाहान जी सर, बताएं सर और एक क्या। तो ये मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड, सर दूसरा ये हो सकता है कि एक जो हमारे एटीट्यूड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होगी, जो इनटॉलरेंस, एजुकेशन प्रोड्यूस करती है फ्लेक्सिबिलिटी, इनटॉलरेंस तो की बात, इंटॉलरेंस होगी, तो उसकी वजह से ये रिलीजियस इंटॉलरेंस हम देख रहे हैं कि आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रैम्पेंट है, उसकी वजह से रिलीजियस इंटॉलरेंस हमारी सोसाइटी के अंदर पैदा होगी, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। और इसके अलावा सर क्लासरूम जो है वो हमें कोहेसिवनेस सिखाती है, क्योंकि क्लासरूम का बेसिक पर्पस ये होता है कि वो जिस तरह वो एक टॉपिक भी आया था कि क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ ए नेशन, उसमें जो है वो एक कोहेसिवनेस सिखाती है। जो एजुकेशन अगर हमें कोहेसिवनेस ही नहीं सिखाएगी, तो इसकी वजह से सारी इजलिटेरियन सोसाइटी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, जिसमें हर इंसान को जो है वो इक्वल फुटिंग्स के ऊपर जो है वो ट्रीट किया जा सके। और बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा सर कुछ जहन में आता है? नहीं अभी अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा, लेकिन जरूर मैं आपको बताता हूँ, अभी जेन में आता है मैं आपको बात नहीं, बताता हूँ बिल्कुल जरूर। ठीक है, जो आपने बताया बिल्कुल ठीक बताया। कोई और कंट्रीब्यूट करना चाहता है? सर अभी आपने विल्ड यूरांग का नाम लिया, तो उसने मुझे एक चीज याद आई कि वो उन्होंने ऑन एजुकेशन एक ऐसे में लिखा था कि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ आवर ओन इग्नोरेंस, कि मतलब हम टाइम के साथ अपने इतना वो होना चाहिए हमारे अंदर लीनियंसी के, अपने जो ओपिनियंस हैं, प्री कंसीव नोशंस हैं, उनको चेंज करने की एक वो हो, तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि हमें वो लीनियंसी पैदा हो, ना कि ऐसे कि हम ओपिनियंस में अपने मजीद रिजिड होते जाएं, मसलन के नेशनलिज्म या ये इस टाइप के, तो ये वैल्यू एक वैल्यू ऑफ लीनियंसी होनी चाहिए। अब इसको क्लेवर डेव, आप यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक बताया, इसको क्लेवर डेविल से रिलेट कैसे करेंगे? अब इसमें एक और बात बताएं, दिस इज इम्पॉर्टेंट इस ऐसे को लेके। इसमें अब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम, ये हमारे अपने लिए आसान हो जाएगा अगर हम इस अंदाज से लिखें। हम अगर पहला मेजर हेडर ये बनाएं कि कौन सी वैल्यूज हैं जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है। बड़ा सीधा सीधा, बड़े आसानी से हम उसमें कोई, मतलब पांच वैल्यूज पे भी बात कर दें, अगर हम उसमें फ्रीडम की बात कर दें, हम इसमें इक्वालिटी की बात कर दें, हम उसमें टॉलरेंस की बात कर दें, हम उसमें रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर दें, हम उसमें पीस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर दें, हम उसमें सर्च फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस की बात कर, रिस्पेक्ट या ट्रूथ और जस्टिस के लिए की सर्च या एक्सेप्टेंस या रिस्पेक्ट इसकी बात कर दें, तो हमारे साथ पास ये छः सात वैल्यूज तो सीधी सीधी निकल आती हैं। आगे हम कहें कि कैसे फिर जो है वो विदाउट दीज वैल्यूज क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, और हम जनरल चैलेंजेस लिखते हैं जो भी हमारे पास फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम से जो भी चैलेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारे पास हाइब्रिड वॉरफेयर हो रहा है, हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरनेशनल रिलेशंस हो रहे हैं। एक जो आप सब लोग भूल गए ना, जिस पे आपने बात नहीं की, विच इज इम्पॉर्टेंट, डेमोक्रेसी की तरफ आप लोग नहीं आए। इनटॉलरेंस पे भी हमने बात की, वो सारी चीजें की, तो डेमोक्रेसी डीजनरेट होती है क्योंकि आपकी, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, आपके लीडर्स, उनके इंटरेस्ट फिर सेल्फिश हो जाते हैं फिर। और इसी से, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन का, अगर आप एजुकेशन पे जो लिटरेचर है वो पढ़ेंगे ना, तो इसमें सबसे पहली चीज तो है ही टॉलरेंस। तो टॉलरेंस, फिर इनटॉलरेंस से पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है, और उससे फिर डेमोक्रेसी इफेक्ट होती है। तो ये वाला एस्पेक्ट आपने बात नहीं की, तो एक ये हम इस पर बात कर लेंगे कि डेमोक्रेसी डीजनरेट हो जाती है, फाइनेंशियल उसमें क्राइम्स बढ़ते हैं सोसाइटी में, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, ये सारी चीजें, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, इस पे हम बात कर लेंगे। तो ये हमारे पास तकरीबन नौ से दस हमारे पास बड़े आराम से चैलेंजेस निकल आएंगे।
मिसाल के तौर पे अगर आप इस पे बात करते हैं क्लेवर डेवल्स पे, तो क्लेवर डेवल्स को आप अब ये चीज भी तो आप इसमें ला सकते हैं ना कि ये जो एजुकेटेड पीपल हैं लेकिन हैं क्लेवर, वो नेशनल इंटरेस्ट की बजाय अपना इंटरेस्ट, अपना सेल्फिश इंटरेस्ट परस्यू करते हैं। दिस दे एक्चुअली सेल देयर नेशंस एट द ऑल्टर ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट। लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से बात की जा सकती है, फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के पर्सपेक्टिव से बात की जाती है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो इसको एक्सप्लॉयट करते हैं पब्लिक के सेंटिमेंट्स को। अब पॉलिटिकल पार्टीज दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, दे आर गुड एट हिस्ट्री, एटलीस्ट उनके अपनी नेशन की हिस्ट्री। तो ये लोग दे आर एक्सीलेंट ओरेटर्स, दे आर डिमागॉग्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स। अब वो क्या करते हैं कि वो फिर जो है वो पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट्स को हवा देते हैं, उससे रेसिज्म और क्या कहते हैं उसको, नेशनलिज्म बढ़ता है, और ये उनकी एक पॉलिटिक उनकी पावर बेस को मजबूत करने का, उनकी उनकी लेजिटिमेसी बढ़ाने का एक तरीका है। तो इस तरह हमारे पास 9-10 फिर इश्यूज आ जाएंगे, हमारे पास सोसाइटी के एस्पेक्ट से बात हो जाएगी, कल्चर के एस्पेक्ट से हो जाएगी, रिलीजन के एस्पेक्ट से हो जाएगी, पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट से हो जाएगी, एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट से हो जाएगी, इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हर ऐसे में इन्हीं डायमेंशंस में ही घूमते हैं, और इनमें घूमने में कोई मसला भी नहीं है क्योंकि यही इश्यूज हैं, यही कंसर्न्स हैं तमाम इंसानियत के। अब हमारे पास एक तो ये बेसिक डिवीजन होगी कि हम पहले बता दें उसको वैल्यूज कौन सी मिसिंग है। फॉर एग्जांपल आप 6 वैल्यूज बता देते हैं और फिर कोई 8, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स बना देते हैं, कुछ 7-8 पॉइंट्स भी काफी हो जाएंगे कि फिर कैसे कौन से चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, और फिर आप उसको सिंपली वे फॉरवर्ड दे दें कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वी नीड, हाउ टू प्रमोट वैल्यूज, या इस तरह की कोई मेन हेडिंग बना के आप उसको बेसिकली सजेशंस देनी है। ये आपने लाजमी देनी है, सजेशंस दे दें कि हम कैसे एजुकेशन को रिफॉर्म कर सकते हैं। एक तो बेसिक डिवीजन ये होगी। मोहम्मद वसीम शमसी, हमारा टॉपिक था कि एजुकेशन विदाउट वैल्यूज क्रिएट्स नॉट गुड पीपल बट क्लेवर डेविल्स, इस तरह का हमारा टॉपिक था। तो हम इसकी डिवीजन की बात कर रहे थे कि क्लेवर कौन सी वैल्यूज हमारा एजुकेशन सिस्टम लैक करता है, पहले इस पे बात कर लें फिर इश्यूज पे बात कर लें। अब जो ये डिवीजन हमने की है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक सेंटेंस आपके पास आए ग्रामर का, आप उसको उसको एग्जैक्टली करेक्ट करना ना आता हो तो आप कोई और नया सेंटेंस लिख दें, जो मिस्टेक एग्जामिनर आपसे करेक्ट करवाना चाह रहा है आप उस पे बात ना करें। तो यहाँ पे भी हमने वही एस्केपिज्म शो किया एग्जामिनर को। बेहतर तो ये है कि हम एक ही जगह पे इनको कंबाइन करें, इश्यूज अलग से ना लिखें, क्योंकि हमने बताना ये है कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू लैग करती है, और इस वैल्यू के लैग करने की वजह से हमारे पास जो क्लेवर डेविल पैदा हो रहा है वो ये नुकसान कर रहा है। अगर इस तरह बात की तो फिर वो मतलब हमारे हमारे नॉलेज और हमारी राइटिंग में वो चीज़ है जो एग्जामिनर को चाहिए, वो कंप्रीहेंशन और वो राइटिंग पावर है जो एग्जामिनर हमसे डिमांड